गुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत एक बैंक फ्रॉड का मामला आगे आया है, जहां पीड़ित के दोस्त द्वारा बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर आरोपी ने करोड़ों का बैंक जाली व्यवहार किया। पीड़ित के पूछने पर आरोपी ने उसे धमकी दी, जिसके चलते पीड़ित युवक ने गुड़केश्वर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुड़केश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें राहुल जैन ने अपनी पत्नी श्रुति जैन के साथ मिलकर अपने ही मित्र आशुतोष कुथे के डॉक्यूमेंट्स लेकर करोड़ों के व्यवहार कर दिए। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि आशुतोष यह राहुल जैन का मित्र है। कोविड में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आशुतोष ने राहुल जैन से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ समय बाद वो लौटा भी दिए। बाद में राहुल ने आशुतोष को खुद का सिविल खराब होने से कार खरीदने के लिए आशुतोष के डॉक्यूमेंट्स मांगे। दोस्त की मदद करने के इरादे से आशुतोष ने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। कुछ महीने बाद आशुतोष के मोबाइल पर जीएसटी डिपार्टमेंट के मैसेज आने लगे, जिससे आशुतोष को शक हुआ। उसने राहुल जैन से इस बारे में पूछा, उसने टाल मटोल उत्तर दिए। अब कुछ दिनों बाद फिर वही चीज होने से आशुतोष ने एक सीए से बात की और तब उसे पता चला कि उसके डॉक्यूमेंट्स का और बैंक के कागजों का गलत इस्तेमाल कर एक कंपनी बनाकर उसमें 1,30,00,000 का फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया है और उससे जीएसटी के फर्जी बिल जारी किए गए हैं। जिसके बाद जब आशुतोष ने इस पर राहुल जैन से जवाब मांगा तो उसने धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा। अब प्रकरण गुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में है। गौरतलब है कि राहुल जैन यह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। राहुल जैन से मेरे पुराने 10 साल पुराने संबंध थे और मेरे उससे पारिवारिक संबंध है, तो उस संबंध चलते उसने मुझे एक दिन कॉल करके पूछा कि तेरा बैंक अकाउंट है क्या। तो मैंने उससे कहा हाँ, तो उसने कहा ठीक है, मुझे तेरे बैंक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने कहा किस लिए, क्या काम है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा कुछ लोन चल रहा है, सिविल प्रॉब्लम है, मुझे तेरे नाम पर कार खरीदनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुला के उसने मुझे, मैंने उसे अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स दिए और उसने कहा कि मुझे चेक बुक भी चाहिए। तो मेरे पास चेक बुक नहीं थी। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, मेरे एक्सिस बैंक में पुराने संबंध है, तो अपन एक नया बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैंने उसे ठीक है कहा। कुछ दिनों बाद हम सी रोड छापरू नगर में एक्सिस बैंक में मुझे उसने फ़ोन करके बुलाया। मैं वहाँ गया और वहाँ पे एक करंट अकाउंट उसने मेरे नाम पे ओपन किया और उसे 2-3 दिन बाद चेक बुक मिल गई। तो उसने मेरे से 15 चेक पे सिग्नेचर ली और कहा कि ठीक है, कुछ रहा तो मैं कॉल करूँगा। तो मैं उसने मुझे इतना कहा और मैं निश्चिंत हो गया। और उसके कुछ महीनों बाद मुझे GST के मैसेज आने लगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, तो मैंने उसे इग्नोर किया। फिर वो मैसेज मुझे कंटिन्यू आने लगे। मैंने अपने एक दोस्त को उसके बारे में बताया, तो वो बोले एक काम करो, तुम इसके बारे में सीए से पूछो। तो मैं सीए के पास गया, सीए को मैंने वो मैसेज दिखाया और सीए से मैंने पूछा कि ये GST मुझे मैसेज आ रही है, ये क्या है। तो सीए ने मुझे कहा कि तुमने अपने किसी को डॉक्यूमेंट दिए क्या। तो मैंने कहा हाँ, एक राहुल जैन नामक व्यक्ति मेरा दोस्त है, मैंने उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मेरे बैंक डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो उसने कहा कि तुम्हारे बैंक डॉक्यूमेंट्स के नाम पे एक फर्जी अकाउंट बना के उसने GST का कुछ घोटाला किया है, GST के कुछ फर्जी लेन देन किए तुम्हारे नाम पे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़, नागपुर।